तिलक करती माला करने लगा थी भैया, साधु नहीं बने क्या चोर बनेंगे? साधु ही तो बनेंगे साथ। इसलिए जब अगर कोई दिल वाला है जो दिल, ठीक है ना, इसलिए सबके सब भगवान के नाम जप करते हैं। जिस समय ये रामायण ग्रंथ बना, अभी इसको लेकर के देवता दैत्य और मानव में लड़ाई। देवता कहते हैं ग्रंथ को हम लेंगे, दैत्य कहते हैं हम ले जाएंगे, और इंसान कहते हैं हम लेंगे। अभी तीनों में लड़ाई। बोले भैया एक काम करो, ये ग्रंथ जिसके उसको पास में चलो। बोले ये ग्रंथ किसके? बोले भोले बाबा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामायण ये भागवत कथा कौन किसको सुनाए? शंकर जी पार्वती को सुनाए, अमरनाथ, इसलिए अमर कथा है। कहते रामायण कर शंकर जी ये कथा पहले पार्वती को सुनाए। सबसे पहले शंकर जी अपना हृदय में ये रामायण को उन्होंने रचना करके रखी थी। सबसे पहले शंकर जी है। बोले ये ग्रंथ शंकर जी का ग्रंथ है, चलो शंकर जी को पास लड़ो मत आपस में। लड़के कोई फायदा नहीं। शंकर जी बोले एक काम करो, बैठ जाओ, तीनों बैठ जाओ, लड़ाई में कोई लाभ नहीं, ये ग्रंथों को मैं बंटवारा कर देता हूँ। इसमें था हैं, इसमें था 1,00,000 श्लोक था रामायण। अभी 3 भाग में विभक्त किया, बोले 30,000 30,000 30,000। अभी कितना बच गया? 10,000 बच गया। फिर 10,000 को उन्होंने फिर बंटवारा किया, 3,000 3,000 3,000, कितना बचेगा? 1,000। फिर 1,000 को 300 300 300 बटवा दिया, फिर कितना बचेगा? 100 बचेगा। 100 में फिर 30 30 30 बटवा दिया, कितना बचेगा? 10। फिर 10 को उन्होंने 3 3 3, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 1। कभी 1 श्लोक बच गया। कहते 1 श्लोक में 4 चरण होता है। 4 चरण मतलब जैसे धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र की 1 चरण, समभेद जुजुस्सवा की 1 चरण, माम कहा पांडवास्तैव की 1 चरण, की अपूर्वन संजय, उसमें 4 चरण होता है। अभी 4 चरण को उन्होंने 1 चरण 1 चरण दे दिया, बच गया 1 चरण। और 1 चरण में होता है 8 अक्षर, कितना होता है? 8 अक्षर। फिर 8 अक्षर को उन्होंने 2 2 2 अक्षर दे दिया, बाद में कितना बचेगा? 2 अक्षर बच गया। शंकर जी ने कहा देखो मैंने इतना परिश्रम किया, अभी ये 2 अक्षर मैं और किसको नहीं दूंगा, ये 2 अक्षर मेरे लिए रह जाएगा। कहते वो 2 अक्षर किया कृष्ण ने राम। इसलिए शंकर जी ये 2 अक्षर को अपना कंठ में धारण कर लिया। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, कहते महामंत्र जय जपत महेशा। इसलिए शंकर जी काशी में जब कोई मुक्ति लेने जाते हैं ना, काशी में अंतिम श्वास वो त्याग करे, शंकर जी उन पर कानों में कृष्ण नेतर राम का नाम सुना देते हैं। फिर कोई अगर प्राण त्याग करे वो सीधा भगवत धाम में जाता है। इसलिए शंकर जी पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। इसलिए शंकर जी हर समय 5 मुह में हर समय भगवान की नाम जप करते हैं, हर समय प्रभु की नाम लेते हैं। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान कलयुग में सबसे सर्वोपाय रखा, सबसे सर्वोपाय ठाकुर जी की नाम को जप कर, और कुछ करने का जरूरत नहीं। उठते बैठते सोते जगते भगवान के नाम ले लो, बात इससे तुम्हारी बड़ा इससे तुम्हारा बेड़ा पार इससे हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कलयुग में मैं इतना सरल उपाय रखा जीव के लिए, लेकिन तब भी ये कलयुग का जीव भगवान का नाम तब भी नहीं लेता है। इसलिए महाप्रभु कहते देखो अभी धीरे धीरे ये कलयुग बढ़ी, अधर्म धीरे धीरे फैलेगा, धीरे 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 ऐसी स्थिति आएगी। शास्त्र में बताया मार मार काट काट है, काट काट शुरू हो जाएगी।
इसलिए जितने जल्दी हो ठाकुर का नाम लेकर के संसार से चले जाओ, नहीं तो दोबारा जन्म ग्रहण करोगे ना और बड़ी दुर्गति देखोगे। कलयुग जैसे बढ़ रहा है धीरे धीरे, ये बढ़ेगी घटेगी नहीं, इज्जत इसकी नहीं रहेगी, भाई भाई बहन बहन कोई जात पात नहीं रहेगी, कहते शूद्र की राजत्व होगी संसार में, मार मार काट काट, कहते माँ अपने बच्चे को मार करके काट कर खाने वाली, ऐसे ऐसे कलयुग की वर्णना आई। इसलिए जितनी जल्दी जल्दी हो भगवान का नाम लेकर के संसार से ठाकुर के पास में चले जाओ। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन माम उपतुत कौन तो पुनर्जन्म न विद्यते, जब तक जीव मेरे पास में नहीं आएंगे तब तक ही जन्म मृत्यु का चक्र में पड़ते रहेंगे। अगर मेरे पास में आ जाएंगे ना बस। देखो एक समय एक कोई बूढ़ी माता जी थी, अनपढ़ थी, लिखा पढ़ा नहीं जानती, अभी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, उसने एक बस में एक टिकट बनाया जिसका टिकट का नंबर था 15। कितना नंबर था? 15 नंबर था। अभी बेचारी अनपढ़ है, टिकट बनाया और जा करके सीधा, उसको तो लेखा पढ़ा आता ही नहीं, लेकिन सीधा जाकर 50 नंबर सीट में बैठी। थोड़ी देर बाद में 50 नंबर सीट वाला है, बोले माता जी खड़े हो जाओ, एक सीट मेरी है। बोले भैया टिकट बनाया यहाँ बैठने क्यों नहीं दे रहे? वो जाकर सीधा 40 नंबर सीट में बैठी। थोड़ी देर बाद में 40 नंबर सीट वाला आ गया, बोले माता जी खड़े हो जाओ। बोले भैया मैं टिकट बनाया मेरे को बैठने क्यों नहीं देते? उसने 30 नंबर सीट में बैठी गई। थोड़ी देर बाद में 30 नंबर वाले सीट आ गए, बोले माता जी उठो। बोले भाई बात क्या, मैं इसका टिकट बनाया मेरे को बैठने क्यों नहीं दे रहे? उसने सीधा जाकर के 20 नंबर में बैठी गई। अभी 20 नंबर वाले सीट आए, बोले माता जी खड़े हो जाओ। उन्होंने देखा धीरे धीरे बस भर्ती होती जा रही है, लेकिन ये कहीं भी बैठे बैठने को ही नहीं देते। बोले चक्कर किया, मैंने टिकट बनाया। उसने देखा भैया ऐसे एक सीट में बैठे जो मेरे कोई नहीं उठाया। उसने देखा जो ड्राइवर का सीट है ना सबसे अलग दिख रहा है। बोले अगर यहीं पर बैठ जाऊं बढ़िया सीट अलग दिखता है, मेरे कोई उठाएगा नहीं। सीधा जाकर के ड्राइवर सीट में बैठी। बोले वाह बढ़िया, अकेला कोई यहाँ है नहीं, कोई और उठाएगा। ड्राइवर गया था चाय पानी पीने के, जब देखा लोग सबके सब भरे गए, इतने में ड्राइवर आया। ड्राइवर आए तो देखो माता जी वहाँ बैठी। बोले माता जी खड़े हो जाओ सीट मेरी। बोले बाबा तेरे हाथ पाँव पड़ता हूँ, पूरा मैंने चक्कर काट दिया बस का है, मेरे को कोई बैठने नहीं देते, मैं बढ़िया में बैठी हूँ, अकेली मेरे को उठाओ मत। बोले माता जी मेरी सीट में ड्राइवर हूँ, मेरे बगल की गाड़ी नहीं चली। बोले बाबा तेरे पाप पड़ता हूँ मेरे को उठा मत, हाँ बड़ी बुरी आदमी मेरे को परेशानी मत करो। बोले माता जी ये मेरी में ड्राइवर का सीट है। बोले बाबा तेरे पाप पड़ता मेरे को कुछ मत कहा करो, ये बढ़िया अकेला सीट है। बोले आपने टिकट बनाया कि नहीं? बोले हम टिकट बनाया, ऐसे थोड़ी बैठी गई। बोले टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ, कितना नंबर था? 15 नंबर। देखा सारी सीट तो भरा हुआ, केवल 15 नंबर सीट खाली। बोले माता जी इधर आ जाओ यही पर बैठ जाओ। बोले कोई तो उठाएगा नहीं? बोले कोई नहीं उठाएगा, सीधा घर में पहुंच जाओ। देखो यहाँ पर सीखा देते हैं, हम भी गलत जगह पर बैठ जाते हैं। अब देखना हमने जो घर मकान बनाते हैं, जिंदगी भर 25 साल तक लिखाई पढ़ाई किया, 25 साल तक लिखाई पढ़ाई किया हमने, उसके बाद में नौकरी चाकरी किया, महीना की तनख्वाह थोड़ी थोड़ी बचाते बचाते समझो कितने कष्ट में हमने भी घर बनाया। समझो 50 साल लग गया घर बनाने के लिए। आप बताओ घर में रह सकते हो आप? अपने जो घर बनाया जिंदगी भर पैसा घर में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। जब इस शरीर से परमात्मा जाएगी ना, एक घंटा भी घर में तुम्हें रुकने नहीं देगा। बोले घर से निकालो, गोबर पानी का छिड़काव, गंगा पानी का छिड़काव करो, घर को पवित्र करो, बैठ नहीं सकते हैं, निकाल देंगे वहां से। फिर दूसरे जीवन में गए 25 साल, फिर लिखाई पढ़ाई है, फिर जिंदगी का पैसा इकट्ठे करते 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 फिर 50-60 साल में जाकर कोई एक मकान बना है, क्या उसमें रह सकते हो? घर में वहां भी नहीं रह सकते, आपको निकाल देंगे वहां से, उठना पड़ेगा, खड़े हो जाओ, उठो यहाँ से। इसलिए हम जन्म जन्मांतर में बना रहे हैं छोड़ रहे हैं, बना रहे हैं छोड़ रहे हैं। बोले भैया कब तक ऐसे बना तो छोड़ते रहेंगे? बोले जब तक तुम अपना सीट पर नहीं बैठ जाओ। कहते अपना सीट पर हमें कौन बैठाएगा? बोले ड्राइवर बैठाएगा। बोले ड्राइवर की अपने साधु गुरु जी हमें सही जगह पर बैठाते थे। बोले बेटा यहीं पर बैठो, अपना घर में पहुंच जाओगे, फिर तो तुमको वहां से कभी हटाने वाले नहीं।
इसलिए एक स्वामी महाराज जिसने इसको स्थापन किया, एक मागा दिन निकालते थे, उसका नाम था बैक टू गॉड हेड। इसलिए उनका नाम रखा था बैक टू गॉड हेड, मतलब है अपना घर में लौट चलो, ये तुम्हारी घर नहीं है, तुम रिफ्यूज होकर यहाँ पर आए हो, ये तुम्हारी घर नहीं, अपना घर में चलो। अभी भैया वहां जाने के लिए टिकट तो चाहिए ना, बगैर टिकट के तो वहां नहीं जा सकते हो। कहते अपना घर में जाने के लिए टिकट क्या है, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही टिकट है। अगर ये टिकट को काट लिया ना, बस कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन माम उपतुत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, अगर एक बार तू मेरे शरण में आ गए, मेरे घर में आ गए, मेरा घर ही तेरा घर है, लेकिन अभी तू अपना घर को भूल गए हो, तो भूल करके दूसरे घर तो तुमने घर बना दिया, लेकिन वहां तुमको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वहां तुम रह नहीं सकते हो, लेकिन वहां जाने के लिए केवल एक टिकट है, ठाकुर जी का नाम जप करो, देखना ठाकुर जी अपना सही जगह पर पहुंचे थे, जहां बैठ जाओगे तो कभी वहां से कोई उठाने वाले नहीं। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जब जब इसी जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए, गो ब्राह्मण पृथ्वी के ऊपर में अत्याचार होती है, तब तक मैं जगत में अवतीर्ण होकर के धर्म को रक्षा करता हूँ और अधर्म को विनाश करता हूँ और अपना संतों को मैं रक्षा करता हूँ। इसलिए भागवत में भगवान की 26 अवतार की कथा है, ठाकुर जी 26 अवतार लिए हैं। भगवान का जो पहला अवतार है, भगवान चतुष्क रूप में आए, ये ब्रह्मा की मानस मुद्रा है, सनक सनातन सनातन और सनत कुमार। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि की, सृष्टि का पहला ये है, जब सृष्टि की, भगवान ने कहा देखो बच्चों, भगवान का निर्देश है संसार का क्रम को धीरे धीरे बढ़ाओ। बोले पिताजी इस संसार में बड़ा दुख है, हम तो ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते। बोले क्या, ठाकुर जी का आदेश है ये संसार का क्रम बढ़नी चाहिए और सृष्टि का पहला तुम हो और तू ही मना कर रहे हो, संसार नहीं करेंगे। बोले घर गृहस्थ नहीं करोगे? बोले नहीं पिताजी, हम तो चाहते भजन करें और मस्ती में आनंद में रहे। बोले अगर घर गृहस्थ नहीं करोगे ना, जैसे जन्म लिया ऐसे ही जन्म रहोगे। बोले 5 साल उम्र के ना, बोले इससे कभी बड़े नहीं बनोगे। आप देखना ये चतुष्क कभी बड़े नहीं, नंगे धड़के घूमते रहते हैं, जब उनको बोल दिए बढ़ोगे नहीं। बोले बहुत ये तो अभिशाप नहीं, ये वरदान। बोले क्यों, आप देखना घर में जितने सारे दायित्व किसको ऊपर में, छोटे ना बड़े को ऊपर, सब बड़े को ऊपर, छोटे बच्चे तो मस्ती से खेलते रहते, आनंद से मस्ती रह करके घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ पता ही नहीं। बोले बढ़िया हो गया, बच्चे बड़े रहेंगे ना, संसार का कोई दायित्व ही नहीं रहेगा, बस मस्ती में प्रभु का भजन करते रहेंगे। इसलिए इनका जीवन है कृष्ण कथा मात्र के जीवन। हमारा जीवन क्या, रोटी। कहते उनका जीवन क्या, बोले भगवान की भक्ति ही इनका जीवन है। अगर कहीं कथा सुनाना हो, सुनाना शुरू कर देंगे। अगर कोई कथा सुनाना नहीं हो, फिर एक भाई तो व्यास गति पर बैठेगा, फिर तीन भाई बैठ जाएंगे और एक भाई भगवान की कथा सुनाना शुरू करेंगे। इसलिए ये कभी भी 5 साल से ज्यादा नहीं होते। बोले क्यों नहीं होते? बोले कारण है, बोले ये जो सूरज है ना, ये काल है, ये जो पूर्व दिशा से उदय होकर के पश्चिम दिशा में अस्त हो जाए, हम कहते हैं ना भैया कितना साल के, बोले 50 साल के हम हो गए। कहते 50 साल के नहीं हो गए, हमारे 50 साल समाप्त हो गए, 50 साल हमारा चला गया, 50 साल नहीं हुए, जो फिक्स परमाणु से 50 साल हमारे कम हो गया, हम छोटे हो रहे, कोई बड़े हो ही नहीं रहे, सबसे सब छोटे हो रहे। लेकिन श्री सुत गोस्वामी कहते हैं ये काल तो सबको परमायु हरण करता है, लेकिन एक व्यक्ति का परमायु के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता,
बोले क्या, बोले तस्करीते जब खनम नीता उत्तम श्लोक वर्ता। हम जितने समय भगवान की नाम जप करते हैं, जितने समय भगवान की कथा सुन रहे हैं, जितने समय ठाकुर का सेवा पूजा करते हैं, क्योंकि जो काल का जो काल है ना ये ठाकुर जी, इसको ऊपर में कोई काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आप लोग कथा सुन रहे हो, आपको कोई परमात्मा को ऊपर में कभी कोई काल का प्रकोप नहीं है, क्यों, आप ठाकुर जी कथा सुन रहे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, काल का प्रभाव इसको ऊपर में पड़ता नहीं। इतना परमय हमारा बच गया, इतने परमय हमारी बच गई, इतने परमय और जितने सब समय हमारी नष्ट होते जा रही है। इसलिए हर समय इनका उम्र 5 साल के, क्योंकि परमय नष्ट ही हो रहा है। भगवान का पहला अवतार, बोले भगवान का जो दूसरा अवतार, भगवान बराह रूप में आए। बोले बराह रूप में कब आए, जब मनु महाराज जी को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया सृष्टि करो। मनु महाराज बोले भैया सृष्टि करेंगे कहां पर, ये पृथ्वी तो है ही नहीं, क्योंकि हिरण्याक्ष ने ये पृथ्वी को रसातल में ले गया था। इतने में ब्रह्मा जी छींके, उनकी नासिका से एक छोटी सी मच्छड़ जैसे प्राणी सृष्टि हुआ, और वो धीरे धीरे मच्छड़ जैसे प्राणी बढ़ते 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 उन्होंने विशाल रूप धारण किया। बोले वो कौन है, बोले श्री भगवान बराह है। बोले श्री भगवान बराह देव की, जब बराह देव प्रकट हुए तब उन्होंने पृथ्वी को अपना दंत का अग्र में, पृथ्वी को उन्होंने उतरने की अपना धुरी पर स्थापन की, फिर वहां से सृष्टि की प्रारंभ हुई। कति भगवान की ये दूसरा अवतार। बोले भगवान का तीसरा अवतार, बोले श्री भगवान श्री नारद जी रूप में आए। आप लोग सब नारद जी को जानते हैं, ये नारद जी, लेकिन जगत में नारद जी का बड़ा बदनाम है, बड़ा बदनाम। कहते रहा तुम क्या नारद जी का काम कर रहे हो, मतलब तुम क्या झगड़ा लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं। अब नारद जी के बगैर ना कोई कथा ही नहीं, इनकी कृपा से ही सब भगवान की जो कथा है ना, है रामायण भी इनकी वजह से हुई, श्री भागवत भी इनकी वजह से, इनके बगैर कोई कथा ही नहीं है, हैं? इसलिए इनका नाम नारद, नारद मतलब नारद, मतलब जो कोई रद्दी नहीं, जो कभी रद्दी नहीं होती है, और न मतलब होता है रस, और द मतलब होता है सबको जो रस को देते हैं, और नर मतलब होता है ज्ञान, और द मतलब सबको जो ज्ञान प्रदान करते हैं। नर मतलब होता है आसक्ति, द मतलब आसक्ति को जो हमारी नष्ट कर देते हैं, श्री नारद जी, ये जगत गुरु श्री नारद जी। बोले जिस समय दक्ष प्रजापति ने भगवान के आदेश से हुई सृष्टि का क्रम बढ़ाओ, पहले जो सृष्टि था मानसिक सृष्टि, बोले मन से सब कुछ सृष्टि होता था, तो उन्होंने अपना मन से 10,000 बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। और पहले नियम था, जैसे अभी स्कूल में बच्चे जाते हैं पीएचडी पढ़ते हैं, पहले सबके सब गुरुकुल में जाते थे, जैसे कृष्ण बलराम का जीवन देखते होंगे, पहले गुरुकुल में गए, 25 साल तक गुरुकुल में पढ़ते थे। कहते इनका गुरु कौन, बोले श्री नारद जी। अभी गुरु जी को पास में भेज दिया, अभी पढ़ाई समाप्त हो गई, अभी ये जा रहे हैं अपना घर गृहस्थी के लिए। नारद जी ने कहा देखो तुम घर गृहस्थी के लिए जा रहे हो, लेकिन समझ बूझ करके बेटा जा, नहीं तो फंस जाओगे संसार में, फिर निकलना बड़ा कठिन है। एक बार अगर उसमें फंस गया निकल नहीं पाओगे, समझ करके जा। तब उन्होंने कुछ कूट प्रश्न किया, आप लोग को मैं भी प्रश्न करता हूँ। कहते ऐसे कौन सा चक्र है जो चक्र को कोई घुमा ही नहीं रहे, वो चक्र अपने आप घूमते हुए जा रही है, बता सकते हो? हाँ बोलो, अब बोलो बताओ कौन सा, जो चक्र को कोई नहीं घुमाते, वो चक्र अपने आप घूमती है। हाँ ये समय है, काल है, हाँ ये काल और समय है। देखो हम जन्म लिए, बड़े धीरे धीरे बड़े हुए, लिखाई पढ़ाई की, नौकरी चाकरी की, शादी शुदा की, बच्चे हुए, एक एक बाल बनना शुरू हो गया, आंखों में देखना कम होना शुरू हो गया, दांत टूटना शुरू हो गया, चमड़ा ढीली पड़ने शुरू हो गई, और राम नाम सत्य हो गए। ये चक्र कोई घुमा रही है, चक्र को कोई नहीं घुमा रही है, ये चक्र अपने आप घूमते जा रहे हैं। बोले सभी का जीवन चक्र तो घूम रही है, लेकिन एक व्यक्ति का जीवन का चक्र घूम नहीं रहे,
वो चक्र केवल एक जगह पर टिका हुआ है, वो चक्र घूम नहीं रहे, वो चक्र एकदम टिका हुआ है एक जगह पर। मतलब सभी का जीवन रूपी चक्र तो घूम रही है, सभी का परमायु तो घूम रही है, जा रही है, लेकिन एक का परमायु नष्ट नहीं हो रही है। बोले किसका नष्ट नहीं हो रही है? बोले जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भजन करते हैं, उनका काल चक्र स्टॉप है, एक जगह पर स्थिति है। क्यों? चूंकि भगवान की भक्ति करता है इसका परमायु नष्ट नहीं होता है। उनका जो दूसरी प्रश्न है, मतलब बताओ तो ऐसे कौन सा बील है जो बील में एक बार जीव अगर प्रवेश करे और उससे निकलने का और रास्ता नहीं मिले। एक बार उसमें बील में चले जाओ ना, फिर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। बता सकते हो ऐसे कौन सा बील है जिस बील में एक बार घुस जाओ जिससे निकल नहीं सकते हो? बताइए आपको कौन सा? कौन सा? हाँ, ये गृहस्थी। आप देखना सामने एक समस्या, हम सोचते हैं शायद एक समस्या निपट जाए ना, हमें चैन मिलेगी। आप देख लेना, वो एक समस्या तो दूर गई नहीं, सामने सामने दो समस्या है। सोचते हैं बोले भैया एक बार अगर लिखाई पढ़ाई कर लेंगे तो जीवन का सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लिखाई पढ़ाई हो गई, उसके बाद में अगर बढ़िया करके एक नौकरी मिल जाए फिर तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। शादी हो, नौकरी हो गई, फिर सोचते हैं अगर शादी हो जाए बढ़िया स्थान से फिर तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। शादी हो गई, फिर सोचते हैं भैया बच्चे थे, अगर बच्चे हो जाए ना फिर तो समस्या दूर हो जाएगी। बोले बच्चे हो गए, बोले बच्चों को अगर लिखाई पढ़ाई ठीक से करते फिर तो समस्या दूर हो जाएगी। बच्चों का लिखाई पढ़ाई कर दिया, फिर सोचते हैं बच्चों को सेटल कर दे, उनको शादी करा दे। हैं, कोई कोई सोचते हैं जब बच्चों को शादी करा हो गया, जब शादी हो गया घर में जो बहू आ गई ना, अभी दायित्व तो बढ़ गया, बहू को छोड़कर घर को बिक जाती। अगर नाती पोती हो गई ना घर तो इतने समस्या में फंस जाते हैं। अगर कथा से जाओ बहू ताना मरेगी, डोपरी का कोई काम धंधा नहीं, सत्संग में घूमते रहती है, बच्चों को पकड़ती नहीं है, फिर बहुत टेढ़ी मेढ़ी। आप देखना इसलिए एक बार अगर आप फंस गए ना, आप जितने कोशिश करो निकलने के लिए आप उतना दल 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 फंस जाओगे, वो निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। क्योंकि ये गर्भस्थी है। उनका तीसरा प्रश्न है, बोलिए भैया ऐसे कौन सा नदी है जो एक साथ में दो तरफ में वो नदी बह रही है, वो नदी एक साथ में दो तरफ में बहती है। बोले भैया नदी तो एक तरफ में बहती दो तरफ में, बोले यही तो प्रश्न है, ऐसे कौन सा नदी जो एक साथ में दो तरफ में बह रही है? बोलिए जन्म और मृत्यु। जैसे जन्म हुए धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहे, लेकिन इधर धीरे धीरे घटते हुए जा रहे। 10 साल के हो गए, 10 साल के नहीं 10 साल पर खत्म, 20 साल के हो गए मतलब 20 साल खत्म, 40 साल हो गए 40 साल खत्म। मतलब जितने ये नदी जितने धीरे धीरे उम्र बीतती जा रही है, इधर उम्र हमारी घटते हुए जा रहे हैं। इसलिए उनकी जो चौथा प्रश्न है, बोले परम पिता के आदेश क्या है? हमारे जो परम पिता है हमें आदेश क्या दिया है? बोले पिताजी तो भेजे स्कूल में पढ़ाने के लिए, बोले ये पिता नहीं, बोले तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो जो परम पिता उन्होंने क्या हमें आदेश दिया है? बोले उनको एक ही आदेश है, स्मर्तव्य सततम विष्णु जाता। उनका एक ही आदेश और एक निषेध है। आदेश क्या है? हर समय ठाकुर का स्मरण करो। निषेध किया कभी उनको भूला मत, उनको कभी भूला मत। हैं, बोले बताओ तो ऐसे कौन सा दर्पण है जो 25 तत्वों से बनी हुई है? 25 तत्वों से बनी हुई ऐसे कौन सा दर्पण? बोले ये शरीर है। ये शरीर हमारी 25 तत्वों से बने हुए हैं। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 तन्मात्र, ऐसे मन बुद्धि अहंकार चित्त और आत्मा परमात्मा मिलकर के ये शरीर हमारी 25 तत्वों से ये बना हुआ है। इसलिए उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी उनको ज्ञान की बात बताई। बोले बेटे जाओ, अभी जाओ अपना घर गृहस्थी करो, अपना घर गृहस्थी करो। इसलिए नारद जी ऐसे उनको ज्ञान दिए ना, जिस ज्ञान को पा करके उनका चेतनता जग गई,
और उन्होंने भगवान की भक्ति करते करते के संसार से उन्होंने पार हो गए, संसार से उन्होंने पार हो गए। इसलिए भगवान का जो तीसरा अवतार श्री नारद जी, बल्कि भगवान की जो चौथा अवतार बल्कि भगवान श्री नर और नारायण ऋषि रूप में आए और बद्रिका आश्रम में भगवान तपस्या कर रहे हैं। आप लोग बद्रिका आश्रम कोई गए हो? बद्रीनाथ कौन कौन गए? बद्रीनाथ कौन कौन गए? एक दो तीन चार, कौन कौन जाना चाहते हो? तो हम ले गए, जाना चाहते हो आपके पास ले गए। हाँ देखो, हाँ देखो, अभी वो बद्रीनाथ जाओगे ना, देखो सुन लो, बढ़िया बढ़िया बात बताऊंगा आपको। अगर वो जो केदार बद्रीनाथ गंगोत्री जन्मोत्री, इसकी बड़ी महिमा है। हमारी संस्कृति है, अगर जीवन में एक बार कोई चार धाम कर ले फिर जगत में जन्म मृत्यु उसको नहीं होता है। क्योंकि भगवान क्यों तपस्या कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, उनको पता कलयुग का जीव इतने भजन नहीं कर सकते, तपस्या कर ही नहीं सकते। इसलिए ठाकुर ने वरदान दिया, मैं जो यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, अगर कोई कष्ट करके आए और मेरे को एक बार दर्शन कर ले, दर्शन करने पर मैं जो तपस्या कर रहा हूँ, मेरी तपस्या के छठवां भाग का फल मेरे को दर्शन मात्र से ही उसको मिल जाएगा। इसलिए पहले जब लोग जाते थे चार धाम करने के लिए, वृद्ध उम्र में जाते थे, बोल देते थे हमारे सारे क्रिया कर्म कर लेंगे, हमारे सब क्रिया कर्म कर लेना। क्यों? इतनी कठिन था, इतने कठिन था, चल चल कर जाना पड़ता था और मार्ग में पेड़ को पकड़ पकड़ करके, मतलब ऐसे रास्ता था। गंगोत्री जमुनोत्री जब जाते थे, बास करते करते थे, बीच में ही प्राण चल जाते थे, बोलते थे हमारी क्रिया कर्म कर लेना, हमें वापस नहीं आएगा हैं, क्योंकि गंगोत्री जमुनोत्री दर्शन कर लिया तो उनको मुक्ति भी हो जाती थी, इतने महत्व। लेकिन अभी तो वो टूरिस्ट प्लेस हो गया। अभी आप अगर 8-10 दिन लेकर के जाओगे ना, 7-8-10 दिन में पूरा बढ़िया से धूमधाम करके आ जाओगे यहाँ पर। लेकिन और एक सहज मार्ग है, बोले जब कृष्ण जन्म नहीं लिए थे, कृष्ण जन्म होने से पहले नंद बाबा ने मनोज देखा था, बोले हे केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री लक्ष्मण झूला है मोक्षद्वार है, अगर मेरे घर में एक लाला की जन्म हो जाए, हम सारे पृथ्वी में जितने तीर्थ है सारे तीर्थ में दर्शन करूंगा। अभी कृष्ण जन्म हो गए, अभी नंद बाबा सोच रहे मैंने मनोज देखा था हमें तीर्थ करनी चाहिए। लेकिन जब सारे ब्रजवासी तैयारी हुए तीर्थ के लिए, कृष्ण सोच रहे बोले भैया ये ब्रजवासी कितने भोले वाले, देखो भैया ये तीर्थ कौन है? ये तो बद्रीनाथ है। कौन? बोले श्री नारायण। बोले नारायण कौन है? बोले मेरे अंश का अंश का अंश। बोले ये केदारनाथ कौन? बोले भोले बाबा। बोले भोले बाबा कौन? बोले मेरे सेवक है। बोले गंगोत्री कौन? बोले मेरे चरण से निकली। बोले जमुनोत्री कौन? बोले मेरी पटरानी, जमुना मेरी पटरानी। इसलिए बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जा, वृंदावन जो धाम है ना अद्भुत धाम, बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहा, बोले केशव के केली कुंड कोटि कोटि काशी है, बोले गोपिनी की द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, बोले स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे किया, जानते नहीं है किया हम श्री वृंदावन वासी है। वृंदावन में सारे धाम, कृष्ण ने कहा पिताजी सब कुछ धाम वृंदावन में, पिताजी सार धाम पृथ्वी का सार धाम तो वृंदावन में, तो आप कहाँ जा रहे हो? यहीं पर केदारनाथ बद्रीनाथ बोले लाला कहाँ पर? हाँ बोले मेरे साथ में आओ। नियम है ना, नियम होता है बच्चों को अपना पिता माता को तीर्थ करानी चाहिए, ये नियम हमारे शास्त्र कहता है हैं? बच्चे बड़े हो जाने पर अपना पिता माता को, जैसे श्रवण कुमार ने कंधे पर अपना पिता माता को लेकर पुराण पुराण ने सारे तीर्थ में घुमाया, नियम है बच्चों को पिता माता को लेकर के सारे तीर्थ करानी चाहिए। कृष्ण ने कहा मेरा कर्तव्य है अपना, मेरे लिए तो उन्होंने मनोज रखा था ना, इसलिए पिता माता को तीर्थ कराऊंगा, बोले मेरे साथ में आओ। उन्हें सारे ब्रजवासियों को लेकर गए, लेकर कामवे वन में गए और सबके बोले हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, आंख बंद करके हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। जब सबके सब हाथ जोड़कर खड़े हुए ना, कृष्ण ने पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ को उन्होंने आह्वान किया और पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है सबके सब तीर्थ एक जगह पर आकर के
प्रकट हो गए। बोले कहां पर? बोले श्री काम्य वन में। अगर आप काम्य वन में जाओगे ना, वहीं पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुना त्री, वहीं पर लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण शिला, हाँ, देव सरोवर, सब वहीं पर है। अगर यहाँ से अगर एक दिन निकलो, सवेरे निकलो ना यहाँ से, शाम को दर्शन करके आ जाओ, चलोगे? इसलिए अगर सवेरे जाओगे ना, पूरा ये सारे धाम को देख करके शाम को यहाँ पर वापस आ सकते हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहते भगवान की चौदह अवतार श्री नर नारायण ऋषि है। कहते ऐसे ही भगवान की हरि अनंत हरि कथा अनंत, ऐसे भगवान की मत्स्य, भगवान मत्स्य अवतार कब धारण किए? बोले जिस समय शंखासुर ने ये चार वेद को, ऋग, जजु, श्याम और अथर्व, ये चार वेद को उन्होंने चोरी करके ले ली। बोले क्यों? बोले जब तक जगत में धर्म ग्रंथ रहेगा तब तक पढ़ करके तो कोई भक्ति करेगा, लेकिन राक्षसों का काम किया। बोले जगत में कोई धर्म कर्म रहेगा? जगत में कोई धर्म कर्म नहीं रहनी चाहिए, सारे के सारे पाप कर्म करे। राज्य तो किसकी हो? राक्षस के राज्य तो हो। बोले वेद ग्रंथ रहेगा तभी पढ़ करके तो भक्ति करेंगे, इसलिए बास न रहेगा, बास न बजे की बात सुनी, इसलिए चार वेद को ही हरण करके ले जाओ। इसलिए उन्होंने चार वेद को हरण करके ले गए। फिर भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, धारण करते हुए उन्होंने शंखासुर को वध किए और ऋग, जजु, श्याम और अथर्व ने चार वेद को उद्धार किया। और भगवान कुर्म अवतार धारण किए। बोले कुर्म अवतार क्यों धारण किए? बोले जिस समय देवता दैत्य मिल करके समुद्र मंथन कर रहे थे, उसी समय में मंदरा चल पर धीरे 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 नीचे चलता गया, तब भगवान ने कुर्म अवतार धारण करते हुए पृष्ठ के ऊपर में उन्होंने मंदर चल पर्वत को धारण किया, मंदर चल पर्वत को। इसलिए मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, ऐसे ही सारे अवतार की कथा आगे आगे आई। उन्होंने सारे अवतार की वर्णना तो की, लेकिन उन्होंने बीच में बोल दिए, बोले देखो जो कृष्ण है ना, ये भी एक अवतार है। फिर से सुतो गोस्वामी ने सोचा मैं तो गड़बड़ी कर दी। बोले क्यों? बोल दिया कृष्ण भी एक अवतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। बोले कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण अवतारी। अवतारी का मतलब होता है कि जितने सारे अवतार है जिनसे ये सारे अवतार आए हैं, इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो पूर्ण ब्रह्म है। कहते पूर्ण ब्रह्म कौन है? ब्रह्मा कहते हैं। बोले अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप व्रजोपसाम चन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ये पूर्ण ब्रह्म सनातन ये भगवान कृष्ण है। और जितने मत्स्य कुर्म आदि ये कौन है? कोई अंश, और कोई अंश के अंश कोई कला, लेकिन जो कृष्ण है ये सोलह कला में परिपूर्ण भगवान कृष्ण चंद्र ही ये सोलह कला में परिपूर्ण है। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं बोले रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठत। जब जितने मत्स्य कुर्म रामादि ये कौन है? मतलब कोई कृष्ण के कला का अंश कोई है, हैं? लेकिन जो कृष्ण है ये कृष्ण ये गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामी, जो आदि पुरुष कृष्ण, हम सबके सब कृष्ण को बांके बिहारी जी को प्रणाम करते हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री लाल। इतने में अभी श्री सौनका ऋषि लोग प्रश्न करते हैं, जैसे यहाँ भागवत हो रही है, जैसे भागवत कथा हो रही है, हाँ? हमारे जब भी प्रभु के भक्त लोग सब मिलकर कथा करवाया, अगर किसी व्यक्ति को पूछो बोले भैया मीराबाई मंदिर में भागवत कथा हो रही है, आप कथा सुनने के लिए आओ। अगर किसका छोटी मोटी कोई बिजनेस हो, कोई नौकरी हो ना, बोलेगा भैया मेरे पास समय नहीं कथा सुनने के लिए। लेकिन श्री परीक्षित महाराज उस समय साधारण राजा नहीं थे, वो चक्रवर्ती, चक्रवर्ती मतलब है
पहले ये पृथ्वी पूरा एक था, कोई अलग नहीं था। ये बाद में धीरे 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 विभाजन हो गई, लेकिन पहले पृथ्वी हमारी पूरा ये पृथ्वी वो एक ही पृथ्वी थी। इसलिए देखो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का नाम सुने हो? ऑस्ट्रेलिया नाम सुने? उसका नाम ऑस्ट्रेलिया नाम क्यों पड़ा? कहती है पांडवों का अस्त्रगार था। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी जगह एकदम मरुभूमि, बोले मरुभूमि क्यों हो गया? बोले अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वहां पर परीक्षा कराया। हाँ, ये ब्रह्मास्त्र जैसे एटम बम है ना, जैसे हीरा शिखा नागा शिखा में एटम बम पड़ा, अभी भी वो स्थान एकदम मरुभूमि है, वहां पर भी विकलांग लोग जन्म लेते हैं। अर्जुन ने वहां पर अपना ब्रह्मास्त्र को परीक्षा कराया, इसलिए बहुत सारी जगह मरुभूमि, और वहां पर एक स्थान का नाम पर्थ, नाम सुने पर्थ का नाम? बोले पर्थ नाम क्यों पड़ा? बोले अर्जुन, अर्जुन का नाम पार्थ, अर्जुन का नाम एक नाम पार्थ है, इससे वो स्थान का नाम पर्थ। एक स्थान है जिसका नाम ब्रिजवीर, हम लोग उधर जाते हैं, वो स्थान का नाम ब्रिजवीर। ब्रिजवीर मतलब क्या? वृंदावन। ब्रिजवीर मतलब ना ब्रिजवीर, आप देखना वृंदावन में ब्रिजवीर कहते ब्रिजवीर, कहते ब्रिजवीर नहीं ब्रजवन, वृंदावन। इसलिए वहां पर रसिया, बोले रसिया नाम क्यों पड़ा? बोले वो था ऋषभ सिंह मुनि का स्थान, जिस समय श्री दशरथ महाराज की संतान नहीं थी, इसलिए बोले अगर श्री ऋषभ सिंह मुनि को द्वारा अगर पुत्रष्टि यज्ञ करवाओगे संतान जन्म ग्रहण करेगा। बोले वो कहाँ रहता था ऋषभ सिंह मुनि? कभी रसिया में रहता था, इसलिए वहां के एक स्थान का नाम मस्को, उसका नाम मस्को। मस्को मतलब क्या? जब मुक्ति का स्थान है, हम लोग वहां जाते हैं मंदिर में, आप देखोगे जैसे साधु संत है ना जटा दुर्धारी, हाँ जैसे साधु संत भजन करते हैं, उनकी जब हम जाते हैं उनकी चर्च में पूरा संतों का मूर्ति है। कैसे पहले पहले संतों के जटा जुटा जैसे वाल्मीकि व्यास पराशर है, उनकी चर्च में ऐसे ही साधु का मूर्ति है, दाढ़ी गोफ एकदम लंबे लंबे और ऐसे कपड़ा पहने हुए। इसलिए पहले भारत में ऐसे बहुत सारे स्थान है, जहाँ जाओगे नाम देखोगे ना एकदम भारत के हिसाब से मिलता जुलता हुआ नाम, क्योंकि पहले ये पृथ्वी संपूर्ण रूप में पृथ्वी वो एक ही था, है बाद में इसको विभाजन होकर अलग अलग हो गया। इसलिए परीक्षित महाराज उसी समय में चक्रवर्ती, चक्रवर्ती मतलब है संपूर्ण पृथ्वी को ऊपर में वो राजत्व करते थे परीक्षित महाराज। इसलिए सौनकादि ऋषि लोग प्रश्न करते हैं, बोले भैया इतने बड़े चक्रवर्ती राजा होकर के ये कथा सुनने के लिए आए? तब कारण क्या? बोले उनको पता था अगर जीवन में शांति सुख मिलेगा ना ये भगवान की भक्ति से ही मिलेगा, पैसा से नहीं, दुनिया से नहीं मिलेगा, मिलेगा तो प्रभु की भक्ति से मिलेगा। इसलिए उनने चक्रवर्ती राजत्व होते हुए भी उनने सात सात दिन तक एक जगह पर बैठ करके ठाकुर जी कथा सुना। अब भागवत में सुनेंगे अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, भरत महाराज, राजा नहीं इनका नाम महाराज है, जिन जिन कथा आती है। बोले भैया ये महाराज महाराज होकर कथा क्यों सुने? इतने बड़े पैसा वाले होकर कथा क्यों सुने? उनको यही था श्री युधिष्ठिर महाराज क्यों ये सब कथा क्यों सुने, कथा भागवत में क्यों आती है? कारण है ये सब के सब भगवान के परम भक्त थे। पहले जितने राजा लोग होते थे सबके सब भक्तिमान होते थे, भक्ति करते थे और सबको भक्ति करवाया करते थे। इसलिए देश में ना शांति सुख, देश में शांति सुख रहता था, हैं? क्योंकि राजा अगर स्वयं अधर्मी बनेगा, चोर चुट्टे पैसा मारेगा, स्वयं भक्ति नहीं करके देश में प्रजा कैसे भक्ति करेगा? जो रुक्मांगद महाराज थे स्वयं एकादशी व्रत रखते थे और प्रजा को उन्होंने एकादशी व्रत रखवाया करते थे। हम आगे एक कथा सुनेंगे। एक समय पृथ्वी के ऊपर में अकाल पड़ गया, देखो ध्यान देखो, पृथ्वी में अकाल पड़ गया, बारिश नहीं होती है, और जब पृथ्वी में कोई बीज को बोते हैं, कोई पेड़ को लगाते हैं, वो पेड़ नहीं, वो पृथ्वी हरण कर लेती है, क्योंकि उसको पहले एक राजा थे जिनका नाम था भेम। वो इतने नास्तिक राजा बना, इतने दुष्ट राजा बना, बोले मेरे देश में कोई हरि कीर्तन नहीं कर सकते हैं, मेरे देश में कोई भगवान की भक्ति यज्ञ नहीं कर सकते हैं, कोई भी ठाकुर जी का नाम पूजा नहीं कर सकते हैं, करना तो मेरे नाम करो, पूजा कर तो मेरे को, पर कोई ठाकुर को भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए इतने नास्तिक बना उसने, उसकी
फिर ऋषि मुनियों ने उसको खत्म कर दिए, लेकिन पृथ्वी अकाल पड़ गया, कहीं बारिश नहीं, कोई पेड़ लगाव होता नहीं, हाहाकार मच गया। फिर उनको शरीर को मंथन करने से पृथ्वी महाराज आए। ये पृथ्वी महाराज भगवत अवतार, सारी प्रजाओं ने शिकायत की, बोले महाराज हम पेड़ लगाते हैं पृथ्वी में, वृक्ष होता ही नहीं, वो पृथ्वी हरण कर लेती है, सब हाहाकार मचा हुआ, बारिश बड़े सालों से बारिश नहीं, सब मर रहे हैं। इतने में पृथ्वी महाराज जी धनुष उठाया और पृथ्वी को उन्होंने शासन किया, बोले पृथ्वी क्यों तुम ये सस्य नहीं देती हो, नहीं तो धनुष से तुमको चकनाचूर कर दिया दूंगा। तब माँ पृथ्वी स्वयं प्रकट हुई, बोले देख बच्चा, जब बच्चे कोई बदमाशी करे ना, कभी कभी पिता माता उसको शासन भी करते हैं। ये जो वैर राजा था ये नास्तिक था, वो भगवान की भक्ति भजन नहीं करता था। जिसने ये दुनिया तुम्हें दिया, जिसका ये दुनिया कितना कण कण में भगवान है, उसको इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है। जिसने तुमने दुनिया बनाया, कोई पेड़ बनाया ना पौधा बनाया, किसने बनाया, ये ठाकुर ने दुनिया को ठाकुर ने दिया, ये भगवान की दुनिया, जिसकी दुनिया में तुम रह रहे हो, जिसका तुम खा रहे हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ना, जिनी तनु देही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी, मौसम को न कुटिल फल कामी। ये श्री सूरदास जी कहते, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, जिसका दुनिया जिसमें तुम रह रहे हो, और तुम उसको ही भूल कर बैठ गया तुमने, हैं? देखो एक समय कोई व्यक्ति सुइसाइड करने जा रहा था, बोले क्यों, बोले सोने पे भी हाथ लगा वो भी मिट्टी हो जाता, तेरी जीवन रख कर क्या लाभ है, भगवान मेरे कुछ भी नहीं दिया, वो सुइसाइड करने जा रहा था। इतने में भगवान एक साधु मूर्ति बन करके आ गए, बोले भैया इधर आ, क्या बात है, कहाँ जा रहे, बोले सुइसाइड करने जा रहा, बोले क्यों, बोले भगवान मेरे कुछ भी दिया ही नहीं, सोने में भी हाथ लगा वो भी मिट्टी हो जाता है, मैं तो सुइसाइड करूंगा। भगवान कहे बेटा एक काम करोगे, तेरे को मैं 10 लाख रुपया देता हूँ, एक आंख मेरे को दे सकते हो, बोले नहीं नहीं, कैसे एक आंख दे दे, कैसे तेरे को एक आंख दे देंगे, बोले इसका मतलब इसको बोल रहा था भगवान तुझे दिए नहीं, बोले तुम्हारी कितना आंख है, 2 है, अगर 10-10 लाख रुपया लगाओ तो कितना हो रहा है, 20 लाख, बोले तेरे को 5 लाख रुपया देता हूँ, एक आंगुल काट कर दे दो, बोले नहीं नहीं कैसे आंगुल काट कर दे दो, बोले इसका मतलब तुम्हारे 20 आंगुल नीचे ऊपर 20 आंगुल है, अगर तुम्हारे हिसाब लगाओ कितना 1 करोड़ हो गया, बोले किडनी दे सकते हो 50 लाख रुपया में, किडनी निकाल कर दे दो, नहीं नहीं कैसे किडनी दे दे, बोले इसका मतलब भगवान एक किडनी देने पर काम चल सकता था, ठाकुर जी तुम्हें 2 किडनी दिया, बोले क्यों, अगर एक किडनी अगर फेल हो जाएगा दूसरा किडनी काम करेगा, एक आंख से काम चल सकती थी लेकिन ठाकुर जी तुम्हें 2 आंख दिया, क्यों, अगर एक आंख खराब हो गया तो दूसरा आंख में देख सकते, ठाकुर जी को तुमने सोच विचार करके दिया है, बोले एक हाथ काट कर दे सकते हो 20 लाख रुपया देता हूँ, बोले नहीं नहीं कैसे हाथ काट दो, बोले 2 हाथ लगाओ कितना, अगर तुम हिसाब करोगे ना कि जो शरीर ठाकुर तुमने दिया है ना, इसलिए भगवान राम कहते हैं सुर दुर्लभ सत ग्रंथ नवा, ये मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ, अगर हिसाब करोगे ना अरब खरब रुपया की संपत्ति है। अब तू कहते भगवान तेरे को जो दिए ही नहीं, कहते भगवान को जो दिए ही नहीं, इसलिए सूरदास जी कहते हैं जिनी तनु दही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल फल कामी। इसलिए श्री पृथ्वी महाराज जब पृथ्वी को शासन किए तब पृथ्वी कहती है बोले बेटा कि कोई भक्ति नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने सब कुछ अपहरण कर रही थी, अगर तुम आए हो, अगर तुम अगर बोलोगे प्रजा को भगवान के नाम कराओगे, भक्ति कराओगे, यज्ञ करोगे, फिर तो मैं सब कुछ दूंगा। इसलिए पृथ्वी को एक रचना कर कहते सब कुछ पृथ्वी में, तो उन्होंने पृथ्वी से सब कुछ उन्होंने निकाल कर लिया, जिसकी इच्छा उन्होंने सब कुछ लिया। देखो इसका मतलब है, अगर जैसे एक बच्चा है, एक बच्चा अगर पिताजी की सेवा करे, पिताजी की सेवा करे, रोज सवेरे उठकर चरण स्पर्श करे, पिताजी की सेवा करे, पिता खुश हो जाएंगे कि नहीं, देखो कितने मेरे अच्छे बेटा है, सवेरे उठकर प्यार छूता है, हमें खिलाता है, पोसता है, पिता क्या करे, खुश होगा कि नहीं, पिता सोचेगा इतने इसके लिए कमा करके जाओ ना, जैसे कभी जीवन में कोई दुख कष्ट नहीं हो, इतने अच्छे लाला है। उसी तरह हमारे परम पिता कौन है, ठाकुर जी है, तो वही वो माता चल, अगर उनकी सेवा भक्ति करेंगे ना
फिर ठाकुर जी को फिर इसका दायित्व तो लग जाते हैं, बोले बेटा मेरे नाम लेता है, मेरे भक्ति करता है, मेरे भजन करता है, भैया तुम फलते फूलते रहो, खुशी रहो, तुम जीवन में खुशी रहो, इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ठीक है ना। एक बार हाथ उठाओ, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोल, आप बोलो कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। बस वृंदावन की हरि नाम की है, जय जय श्री राम। स्वर्णकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, परीक्षित महाराज उन्होंने क्यों सात दिन तक बैठकर कथा सुनी, और श्री सुखदेव गोस्वामी वो भी एक जगह पर कितना समय टिकते थे, बोले एक गो दोहन करने में जितने समय है उससे ये कहीं ज्यादा समय टिकते नहीं थे। ये 16 साल तक उन्होंने मुंह ही नहीं खोले, लेकिन एक बार जब उन्होंने मुंह खोले ना, उन्होंने 7 दिन तक उन्होंने मुंह ही बंद नहीं किया। फिर श्री व्यास देव जी, फिर ये भागवत ग्रंथ रचना क्यों किया, इसलिए मैंने जो पूछा और नहीं पूछा आप कृपा करके सारे प्रश्न का आप उत्तर हमें दो। इसको सुन करके श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, बोले द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर जाए व्यास पराशर उद्योगी तासव्याप कलयाहरे। अभी ये कलयुग आ रहा है, कहते व्यास देव भगवान की सत्यावेशता अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने देख लिया, ये कलयुग आने पर धीरे धीरे लोगों का बुद्धि खय होती जाएगी, क्योंकि कोई चीज प्योर चीज मिलेगी नहीं, सब चीज में मिलावट है, हाइब्रिड देकर सब चीज बनाते हैं, इसलिए धीरे धीरे प्योर चीज नहीं मिलेगी, बुद्धि धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी। पहले इस ग्रंथ पर तो कुछ नहीं होता था, आप देखना जो बड़े एकदम ज्यादा बड़े बूढ़े देखना, पहले ये स्कूल कॉलेज फॉलेज कुछ नहीं होता था, बच्चे लोग जाते थे टीचर के पास में, पेड़ को नीचे नहीं हो तो कहीं वो बैठा करके उनको रटा सब चीज रटा देते थे, सारे चीज उनको रटा देते थे, और इतने बुद्धि तीव्र होता था, रटते 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 सब रट लेते थे। अब तो कंप्यूटर हो गया है, अभी कंप्यूटर हो गया, फिर हिसाब करने का पहले सब नहीं था, मुख मुख में सब कुछ हिसाब कर लेते थे, बड़ा तीव्र बुद्धि होता था। इन्होंने देखा कलयुग आने पर धीरे धीरे बुद्धि घटती जाएगी, इसलिए पहले एक वेद था, उन्होंने वेद को उन्होंने 4 वेद रूप में प्रकाशित कर दिया, फिर उन्होंने उपनिषद बनाया, वेद मतलब